हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग रे डायग्राम पढ़ रहे थे, उसको बनाना सीख रहे थे अंडर द टॉपिक इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो अभी कॉनकेव मिरर के अलग अलग कंडीशन पे हम लोग कैसे वो इमेज बनाता है, इसके बारे में रे डायग्राम से समझ रहे थे, है ना। और ऑब्जेक्ट का पोजीशन, जो वस्तु है उसका पोजीशन अलग अलग जगह पर रख रहे थे, तो उसके बेसिस पे जो हमारा इमेज बन रहा था वो अलग अलग पोजीशन पे बन रहा था, और उसका साइज भी डिफर कर रहा था, है ना। किसी का साइज बड़ा कहीं बन रहा था तो कहीं बहुत छोटा बन रहा था, है ना। तो चार पॉइंट हो गए थे, अब पांचवें पॉइंट पे आते हैं। पिछला पॉइंट था हमारा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो इमेज कहाँ बनेगा। अब अगला जो है हमारा, जब ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस या एफ भी लिख सकते हैं, सिंबल एफ। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तब कहाँ इमेज बनेगा और उसका साइज क्या होगा, ये करना है। तो इसको चलिए समझते हैं। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, अभी पूरा नहीं हुआ, इसको पेंटिंग वाला साइड दिखाना पड़ेगा, तब जाकर सही से होगा, है ना। अब ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब इसका सेंट्रल पॉइंट लेंगे, स्केल की सहायता से एक लाइन खींचेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेगा। मान लेते हैं सेंट्रल पॉइंट है ये, ठीक। ये इसका पोल एरिया है और ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसके जस्ट मिडिल में फोकस है, ठीक। ये सारी चीज़ें आप तो जानते ही हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को, वस्तु को हम लोग फोकस कर दें, ये हमारी कोई वस्तु है, इसको ब्लू कलर से बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी कोई वस्तु है, ए बी नाम से, ए बी नाम से एक वस्तु है जो फोकस पर रखी हुई है। अब यहाँ से लाइट रेस निकलेंगी, मान लेते हैं कि पैरेलल लाइट रेस निकल रही है, पैरेलल जाने वाली लाइट रेस कहाँ से होकर आती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर आती हैं, है ना। तो आपको स्केल की सहायता से, ये तो गड़बड़ हो गया, इसमें ये समस्या, स्केल वगैरह नहीं रहेगा तो समस्या होता है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से ये ऐसे होते हुए आएगा, फोकस होते हुए ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये हमारा फोकस, ठीक। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है, लाइट रेस आ रही है, वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद या टकराने के बाद फोकस होके जा रही है, जो कि नियम है। चार हम लोग बेसिक रूल पढ़े तो उसमें यही नियम था, ठीक। और दूसरा क्या है कि मान लेते हैं लाइट रेस यहाँ से निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा नाटा छोटा हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा और बड़ा बनाना है, ठीक है। अब ये यहाँ से लाइट आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक। तो यहाँ से लाइट आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रही है, ठीक। फिर से इसको समझ लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है, इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट लिए हैं, उसकी लाइट रेस एक पैरेलल गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके जाएगी बाय द रूल। दूसरा लाइट रेस जो है वो यहाँ से निकल रही है ऑब्जेक्ट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस रास्ते पर जाती है लाइट, उसी रास्ते पर वापस आ जाती है, रिटर्न हो जाती है। तो ये सारी चीज़ हो गई, तो ये लाइट रेस इधर रिटर्न हो जाएगी, इधर की तरफ चल जाएगी। इसको अगर सीधा एकदम बनाएंगे स्केल की सहायता से तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारा दो लाइट रेस हो गया, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रेस निकला फोकस से होकर गया,
दूसरा लाइट रे जो निकला वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो गया, सेंटर कर्वेचर से जो होकर जाता है लाइट वो उसी पाथवे पर वापस रिटर्न हो जाता है, ये हो गया ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रही है ना, एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल है तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगी, कहाँ पे मिलेंगी, जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट्स मिलेंगी वहीं पे इमेज बनेगा। तो ये तो पैरेलल दिखने में आ रही है, अगर आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत अच्छा पैरेलल लाइन तो बनेगा ठीक है। तो इसको डॉटेड से दिखाएंगे, डॉटेड आगे करके पहले डार्क लाइन दिखाएंगे कंप्लीट लाइन, फिर डॉटेड। डॉटेड का मतलब है कि इनफाइनाइट, इसका कोई सीमा नहीं है कि इस लिमिट तक यहाँ पे इमेज बनेगा, कोई पार्टिकुलर पोजीशन नहीं है ठीक है। तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा, इमेज जो बनेगा इन्फिनिटी बनेगा ठीक है, इन्फिनिटी बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, नीचे की तरफ भी बनेगा, कभी बहुत दूर कहीं इन्फाइनाइट पॉइंट पे नीचे की तरफ भी ये मिलेगी। तो कहीं पर मान लेते हैं इन्फाइनाइट पॉइंट पे आके मिलती हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है इन्फाइनाइट पॉइंट पे, तो लार्ज इमेज बनेगा है ना, बहुत बड़ा इमेज बनेगा और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगा, तो बहुत बड़ा इमेज बनेगा। किस पॉइंट पे बनेगा ये क्लियर नहीं है, इन्फिनिटी पे बनेगा ये क्लियर है। कहीं मान लेते हैं ये हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है ना, ये इन्फिनिटी पॉइंट है, ये पे लाइट रेज मिल गई, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट था और इतना बड़ा हमारा इमेज बन गया, ये हमारा इमेज बन गया ऐसा मान रहे हैं हम लोग, इन्फाइनाइट पॉइंट को यहाँ मान रहे हैं। इन्फाइनाइट पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, बहुत दूर पे है ना, तो ऐसे हम लोग मान के कर रहे हैं इसको ठीक। तो ये इन्फाइनाइट पॉइंट पे एक लार्ज मैग्नीफाइड इमेज बनेगा और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा इमेज बनेगा ठीक। तो इस केस में नेचर ऑफ इमेज क्या होगा वो लिख लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टीज दिख रहा है इसमें, कि इमेज का प्रॉपर्टी है कि एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखेंगे कॉनकेव मिरर के केस में तो ये पैटर्न फॉलो होगा लाइट रेस का, और उस केस में इमेज जो बनेगा इन्फिनिटी पे बनेगा, ये पहला पॉइंट ठीक है, इन्फिनिटी पे हमारा इमेज बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इमेज का जो साइज है, इमेज का साइज बहुत बड़ा है, मैग्नीफाइड, बड़े साइज वाला जब इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट से बड़ा रहे तो उसको मैग्नीफाइड लिखेंगे, मैग्नीफाइड। और कैसा बनेगा, रियल, और बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितना भी इमेज बनता है या लाइट रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो जो इमेज बनता है हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनता है, और अगर इसके ऊपर बनता है तो वो हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है ठीक। तो यहाँ पर रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी का स्पेलिंग गलत हो गया, इन्फिनिटी बनेगा यानी कोई पार्टिकुलर पोजीशन उसका फिक्स नहीं, बहुत दूर पे बनेगा, लेकिन जब भी बनेगा बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि बहुत दूर पे जाके वो लाइट रेस, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस मिलेंगी है ना, इसलिए मैग्नीफाइड इमेज यहाँ बोला जा रहा है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड एट इन्फिनिटी, कोई पॉइंट जो है जो हमको पता नहीं है कहाँ पर बनेगा ठीक है। तो ये हो गया पाँचवा पॉइंट हो गया कॉनकेव मिरर का, कि जब फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो हमारा इमेज इन्फिनिटी पॉइंट पे बनता है, बहुत बड़ा बनता है और रियल इन्वर्टेड बनता है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा लास्ट इसका है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, सिक्स पॉइंट, छः हमको प्रैक्टिस करने हैं, आपके सिलेबस में छः दिए हैं ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है पोल एरिया यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर पॉइंट है मिरर का, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके मिडिल पॉइंट में यहाँ पे फोकस है। अब ऑब्जेक्ट पिछले केस में कहाँ था, फोकस पे, अब इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा,
ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एफ, फोकस एंड पोल, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये वाला पॉइंट पोल और ये वाला पॉइंट फोकस, इन दोनों जगह के बीच में अगर कहीं ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस केस में इमेज कहाँ बनेगा वो हमको देखना है, ठीक है। ठीक, तो फोकस और पोल के बीच में रखना, कहीं भी यहीं बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रख दिए, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और इसका कुछ नाम ए बी रख देते हैं, ए बी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी नाम का, फोकस और पोल के बीच में, और इसमें दो लाइट रे निकालेंगे, एटलीस्ट दो हमको दिखाना पड़ेगा, हम लोग इतने स्टेप करते आ रहे हैं तो दो एटलीस्ट रे दिखाना पड़ेगा, और दोनों जहाँ मिलेंगे वही इमेज बनेगा। तो अब ये आ गया फोकस और पोल के बीच में, पैरेलल रेज निकली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही लाइट रेज यहाँ से निकल रही है, जो पैरेलल आती है वो कहाँ से भागती है, फोकस से, ठीक है, तो फोकस से भागेगी, फोकस वाला केस कर सकते हैं या फिर दूसरा केस लगा सकते हैं, यहाँ से लाइट रेज जा रही है इसके ऑब्लिकली, फोर्थ रूल याद करिए, ठीक है, तिरछा जा रही है, यहाँ से लाइट रेज तिरछा जा रही है, तिरछा कहाँ पे जा रही है, पोल पे, और पोल पे जितने एंगल से गिर रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस उतने ही एंगल से नीचे जाएगी, है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों बराबर होगा, ठीक है, तो ये लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से यहाँ से निकली और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, जितने एंगल पे गिरी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई पोल पे, एक लाइट रे हो गई, दूसरी है, दूसरी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रेस आती है उसी दिशा में उसी पाथवे पे रिटर्न हो जाती है, तो इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा डॉटेड करके बनाना पड़ेगा स्केल, है ना, तो यहाँ से लाइट रेस आ रही है ऑब्जेक्ट से, मान लेते हैं यहाँ सी पे कनेक्ट करी, थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेस होके जा रही है और वहीं से फिर वापस आ रही है, ठीक है, वापस होके आ रही है, ठीक, तो ये दो लाइट रेस हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइट रेस बहुत दूर हो रही है, एक दूसरे से दूर हो रही है, तो यहाँ तो इमेज बनने से रहा, है ना, तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो ये लाइट रेस को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं हम लोग, एक्स्ट्रापोलेट मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और स्केल की सहायता से करेंगे, ठीक है, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर दोनों मीट करेंगे, ठीक है, यही हमारा इमेज रहेगा, ए डैश बी डैश नाम दे देते हैं इसको, तो ये हमारा इमेज हो गया आई, ठीक, तो ये कहाँ पर इमेज बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, और किधर बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रहा है, यानी इरेक्ट है, इरेक्ट है, इरेक्ट इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल, ये रियलिटी में तो लाइट रेस इधर ही रिटर्न हो जा रही है ना, और कहीं मिलने का इसका सवाल ही नहीं है और दूर होती जा रही है इस केस में, लेकिन अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करके हम लोग इमेजिन करें तो हम लोग पाएंगे कि दोनों लाइट रेस को कहीं पीछे मिरर के पीछे मिल रही हैं, इसलिए हमको लगता है कि हम लोग मिरर के अंदर हैं, कौन के मिरर के केस में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस और पोल के बीच में रखा हो, तब वो वर्चुअल इमेज बनता है और बहुत ही बड़ा इमेज बनता है, ठीक है, तो वर्चुअल भी बन रहा है और बहुत बड़ा बन रहा है, तो नेचर ऑफ इमेज इसमें लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज, पहला पॉइंट इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, ये तो पीछे बन रहा है, पोल के आगे कहीं बन रहा है, किसी पॉइंट पे बन रहा है ना, क्योंकि हमारा जो फिक्स पोजीशन हमको पता है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो सारे इधर है, तो वो किसी पॉइंट पे बन रहा है, बियॉन्ड पोल ऐसे लिख देंगे, बिहाइंड द मिरर ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पोल तो यही है, पोल के बियॉन्ड मतलब यहाँ भी हो सकता है, जबकि बहुत दूर बनेगा ये लाइट रेज, काफ़ी दूर जाके मिलेंगी,
तब जाके एक इमेज बनेगा धुंधला सा और बड़ा सा। तो बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है इमेज ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक्चुअली में तो लाइट रेस कहीं मिल ही नहीं रही है, लेकिन वर्चुअली देखा जाए ऐसा आभास हो रहा है कि लाइट रेस से मिलेंगी कहीं पीछे, और दैट इज वाई हमको वो इमेज दिखाई दे रहा है काफ़ी बड़ा सा और धुंधला सा। तो बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है। इमेज का साइज क्या है? हाईली मैग्नीफाइड, यानी बहुत ही बड़ा इमेज बन रहा है। और कैसा नेचर है इसका? इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर बना है, सारी लाइट रेस जो है ऊपर की तरफ मिलती हुई दिख रही है। तो जब भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनता है तो वो हमेशा वर्चुअल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये केस हमको दिखा है छठवें पॉइंट में, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अधिकतर जो हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का, या जहाँ भी मेडिकल फील्ड में डेंटिस्ट यूज करते हैं, या फिर जैसे शेविंग करने के लिए यूज किया जाता है, या कोई और इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस में इसको यूज किया जाता है, तो उसको अक्सर हम लोग इस तरह से यूज करते हैं कि वो फोकस और पोल के बीच में ही ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। इसलिए हमेशा अधिकतर जहाँ भी इस्तेमाल करते हैं इमेज हमेशा बड़ा बनता है ना। इसलिए तो अधिकतर यूज में कॉनकेव मिरर जो लिया जाता है उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, इसलिए इमेज बड़ा बनता है, और इसलिए हम लोग चीज़ों को बड़ा देखने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा कॉमन यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में डेंटिस्ट के द्वारा, या फिर जो फ्लैश लाइट है या टॉर्च लाइट है ना। इन सब में क्या होता है, आप देखेंगे टॉर्च की लाइट इतनी बड़ी दिखाई देती है ज़मीन पे, तो फैल जाती है एक तरह, है ना, एक पार्टिकुलर जगह पर ढेर सारी लाइट रहती है। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्या करता है? सारी लाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, तुमको दिखता रहता है। जैसे कार की हेडलाइट होगी, बाइक की हेडलाइट है, किसी व्हीकल की हेडलाइट होगी, या फिर जो एक लाइट होता है घूमता रहता है, वो सर्च करता रहता है कोस्टल एरियाज में, वो सब में भी कॉनकेव मिरर वाला ही सरफेस लगाया जाता है, ताकि फोकस करके लाइट से हर जगह पे निगरानी रखी जा सके, ठीक। और जहाँ जहाँ भी कोई चीज़ को बड़ा करके देखना है तो वहाँ पर भी कॉनकेव मिरर का ही इस्तेमाल किया जाता है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन करके देखना है तो, ठीक है। तो ये हो गया। तो कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनते थे वो छः अलग अलग कंडीशन में बनते थे, छों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक साथ छः को, जितने भी छः अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक पैटर्न समझ में आएगा। अभी तो एक एक में शायद कन्फ्यूजन हल्का फुल्का हो रहा हो, ऐसे होना नहीं चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या था, छोटा छोटा बना लेते हैं, एक दो तीन और छोटा बनाना पड़ेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां। सबको जितने भी हम लोग अभी पढ़े हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर उसको रिवाइज करेंगे फटाक से, ताकि आपका आइडिया जो है या कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एक साथ सबको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इंडिविजुअली भी आप याद कर सकते हैं तो भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो सबका सेंटर आपका बीच छोटा छोटा बना देते हैं। तो पहले केस में हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट लिया था वो कहाँ पे लिया था, कहाँ पे लिया था, इन्फिनिटी पे, यानी बहुत दूर, कहीं बहुत दूर, कहीं बहुत दूर बड़ा सा इमेज ऑब्जेक्ट था हमारा, ठीक है। यहाँ से लाइट रेस आ रही है, ठीक है, दो लाइट रेस आ रही है। इन्फिनिटी का मतलब है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा पोल हो गया,
और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर, मतलब बहुत ही दूर जो पॉइंट होता है जिसका हमको पता नहीं, अंदाजा नहीं है कि कहाँ है वो दूरी, तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से लाइट रेस आ रही है, पैरेलल होके आ रही है, और पैरेलल रेस जो आती हैं रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके गुजरती हैं। ठीक है, तो दोनों ही फोकस से होके गुजर गई, ये यहाँ मिलनी चाहिए थी, गलत हो गया। ठीक है, तो ये फोकस पे मिल गई, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बन रहा था एकदम पॉइंटेड बन रहा था, पॉइंटेड, एकदम पॉइंटेड और छोटा सा बन रहा था। और जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया था, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट रखे थे और वहाँ से लाइट रेस आ रही थी, पैरेलली आ रही थी, रिफ्लेक्ट होके बाय द रूल वो फोकस से काट रही थी, तो फोकस पे एक छोटा सा, बहुत ही हाईली डिमिनिश छोटा सा इमेज बन रहा था। फिर हम लोग क्या किए, उस ऑब्जेक्ट को क्या किए, थोड़ा सा और पास पे लाए। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, ये पोल है। अब ऑब्जेक्ट को जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर था यहाँ, अब उसको थोड़ा सा पास में लाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर लाए, अभी तो बहुत दूर था। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब यहाँ से लाइट रेस आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हाँ, तो ये फोकस पे बना, इमेज हमारा फोकस पे बना था। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को और इधर ला रहे हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन आएंगी, फोकस से होके जाएंगी, ठीक है, और एक लाइट रेस जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा, जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे इमेज बन रहा है। कहाँ पे इमेज बन रहा है, सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। यहाँ भी इमेज बन रहा है, लेकिन इस केस से थोड़ा बड़ा बन रहा है, ठीक। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, और एक लाइट रेस हमने पैरेलल फ्लो कराई, मतलब आ रही है मान लिया, और वो बाय द रूल फोकस होके आई। दूसरी लाइट रेस हमने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, उधर ही रिफ्लेक्ट हो गई, अब दोनों जहाँ एक दूसरे काट रही हैं वहीं पे उतना बड़ा इमेज बनेगा। हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो हमको लेंथ ऑफ द इमेज पड़ा पता चल जाएगा। नीचे की तरफ बन रहा है तो रियल इन्वर्टेड है, ये भी रियल इन्वर्टेड होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो ये हाईली डिमिनिश था, ये थोड़ा डिमिनिश छोटा सा बना है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो बहुत ही छोटा है, ठीक। फिर आगे क्या करें, तो आप देख रहे होंगे वन बाई वन, अगर ध्यान देंगे आप, तो पहले हम लोग इन्फाइनाइट पर रखे थे, बहुत दूर रखे थे ऑब्जेक्ट को, तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे। फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और खिसका के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लाए, तो हमारा इमेज और फोकस से इधर होके बना है ना। तो जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर बढ़ा रहे हैं, हमारा इमेज नीचे की तरफ इधर बनते जा रहा है, और थोड़ा सा बड़ा भी होते जा रहा है ना। पहले बहुत छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हुआ। अब अगले केस में क्या होगा, अगले केस में मान लेते हैं सेंटर कर्वेचर ये है, ये फोकस है, ये पोल है। अब हम लोग को पहला इन्फाइनाइट पे, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं, यहीं पर रख दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक। अब यहाँ से लाइट रेस पैरेलल गई और फोकस से होके गुजरेंगी, है ना, अच्छा। और एक लाइट रेस जो है वो सीधे फोकस से जा रही है, फोकस पे जो लाइट रेस जा, ये गलत हो गया थोड़ा सा, जो फोकस पे लाइट जाती है वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है बाय द रूल, ठीक। फोकस से आई और पैरेलल हो गई, कहाँ पे मिली, यहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जस्ट नीचे मिली, है ना। अब यहाँ से मिला देंगे हम लोग, सी थोड़ा इधर लिख देते हैं, तो ये हमारा इमेज बन गया। अब आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट का साइज ऊपर जो है और नीचे इमेज का साइज दोनों इक्वल है, और ऑब्जेक्ट हमने सी पर रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था, और ये पैटर्न फॉलो किया तो हमको क्या मिला कि इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बन रहा है, रियल इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर रखने से ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो जाता है। पहले ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर एग्जैक्टली सेम हो गया, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है, कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को भी उसी पोजीशन पर रखे थे तो, ठीक है। तीसरा कंडीशन हो गया। फिर चौथे पे चलते हैं,
चौथे पे चलते हैं। ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा है, ये मिडिल पॉइंट फोकस है, ये पोल है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को बढ़ाते जा रहे हैं इधर, और हमारा इमेज नीचे की तरफ से इधर बढ़ते जा रहा है, उसका साइज भी बढ़ते जा रहा है। पहले बहुत छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर एग्जैक्टली इक्वल हो गया, अब अगले केस में थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पर रख दिए, अब उसके आगे बढ़ाएंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग रख दिए हैं सी और एफ के बीच में, ठीक। अब यहाँ से लाइट रेस आ रही हैं, पैरेलल आ रहे हैं, तो फोकस से भी गुजरेगा, ठीक। अच्छा, और हमारा इमेज कहाँ बनना चाहिए, सी के आगे, है ना। जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट इधर बढ़ा रहे हैं, इमेज इधर बढ़ते जा रहा है, तो हमारा इमेज जो है सी के आगे इधर कहीं बनेगा, यानी इधर कहीं बनना चाहिए। तो हमको इस तरह से रूल कोई लाइट रे ड्रॉ करानी है बाय द रूल, कि वो ऐसे मैच करे कि सी के आगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं, ये फोकस से पास करा देते हैं, फोकस से लाइट रे पास करा दिए, और ये आकर, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो यानी फोकस से पार नहीं होगा, किसी और तरीके से करना पड़ेगा। फोकस से करेंगे तो ये तो फिर से वही बन जा रहा है। तो एक तो हम लोगों ने ऐसे कर दिया, सीधा ले जाते हैं फोकस से ऐसे, एक क्या कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे से जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं लाइट रेस, और ये हमारा लाइट रेस ऐसे आ रहा है, इधर ही कहीं दोनों मिलेंगे, एक दूसरे काटेंगे, तो यहाँ पे इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, है ना। तो इस कंडीशन में हमको क्या लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग कहाँ पर रखेंगे, सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो उस केस में एक लाइट से हम लोग पैरेलल ले लेंगे, और वो फोकस से होकर इधर आएगा सीधा एकदम स्केल की सहायता से, दूसरा हम लोग ले लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और स्केल की सहायता से करेंगे बहुत ही अच्छा बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दोनों को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो सी के आगे कहीं बड़ा सा इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा इमेज बन गया बड़ा सा, यहाँ स्केल नहीं है, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, नहीं तो अच्छा बनता। तो हमारा इमेज देख रहे हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बना है, उसके आगे बना है, और कैसा बना है, बड़ा बना है, और नीचे की तरफ बना है, यानी रियल और इन्वर्टेड है, ठीक। चलिए, तो ये समझ गए कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो इस कंडीशन, इस रे डायग्राम को फ्लो कराने के केस में हमारा इमेज जो है बियॉन्ड सी बनता है। यही सारी चीज़ें, दो तीन चीज़ें पूछता है, इमेज का साइज, उसका नेचर मतलब वो रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है, और कहाँ पे बन रहा है, और हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिया था, ये तीन चार चीज़ें बस आपको याद होनी चाहिए, और ये फ्लो चार्ट, ठीक है। अब उसके बाद अगले केस पे चलते हैं, पांचवा जो आज ही हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं ये है, फोकस ये है, पोल ये है, ये सभी को इक्वली लेना रहता है, क्योंकि ये तो मान लीजिए सी को ही लेंगे, अब सी का एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट होना चाहिए फोकस, जस्ट हाफ होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया, क्या रखा है, अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे लाएँ, फिर बियॉन्ड सी लाएँ, फिर सी पे ला दिए, फिर सी के बाद सी और एफ के बीच में ला दिए, अब अगला पॉइंट क्या है, फोकस पे सीधे रख दिए, हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया। अब यहाँ से लाइट रेज निकल गई है, ठीक है, लाइट रेस निकली, पैरेलल वाली कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, स्केल की सहायता से हम मिलाएंगे एकदम स्ट्रेट लाइन, थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, दूसरा क्या है कि दूसरा रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, इसको थोड़ा सा और कर्व बना सकते हैं, है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो एक पैरेलल लाइन मिलेगा, ये लाइट रेस, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये आ रही है, इधर ही जा रही है, तो दोनों लाइट रेस को अगर आप देखेंगे तो पैरेलल है, तो कहीं मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो शायद बहुत दूर कहीं मिलेंगी इनफाइनाइट पे, तो मान लेते हैं ये इनफाइनाइट दूरी यहाँ पर है, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा इनफाइनाइट दूरी पे,
रियल इन्वर्टेड तो बनेगा है, नीचे की तरफ ही बनेगा क्योंकि दोनों नीचे ही मिलेंगे, ये नहीं कि वो ये लाइट रेस ऊपर चली जाएंगी, है ना। तो नीचे ही मिलेंगी, किस पॉइंट पर मिलेंगे वो पता नहीं, उस पॉइंट को हम लोग इन्फाइनाइट लिख देंगे। रियल इन्वर्टेड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। जैसे यहाँ मैग्नीफाइड बना था बड़ा इमेज, यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड, इससे भी बड़ा बनेगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं कॉनकेव मिरर के केस में, तो एक लाइट रेस पैरेलल फ्लो कराते हैं जो फोकस होकर जाएगी, एक लाइट रेस को हम लोग ऑब्जेक्ट से सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जाते हैं जो उसी पाथ में रिटर्न हो जाती है, उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो कहीं इनफाइनाइट पॉइंट पे एक ऐसी बिंदु पर जिसका हमको डिस्टेंस नहीं पता है, वहाँ पे शायद वो जाकर मिलेंगी नीचे और एक बहुत बड़ा इमेज फॉर्म करेंगी। ठीक, तो उस पॉइंट को इनफाइनाइट पॉइंट बोलेंगे। अब छठा पॉइंट, सिक्स पॉइंट क्या था, सिक्स पॉइंट ये हमारा मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका मिडिल पॉइंट फोकस, ये पोल। अब आप देख रहे हैं कि लगातार ऑब्जेक्ट को हम लोग आईने के पास ला रहे हैं, मिरर के पास ला रहे हैं, जैसे जैसे पास ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो अब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को लेते हैं और पास में, जनरली यहीं पर हम लोग यूज करते हैं, है ना। जनरली हम लोग कॉनकेव मिरर को जब यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को या तो फोकस पर रखते हैं या तो फोकस और पोल के बीच में, इसलिए हमको हमेशा बड़ा इमेज देता है। तो ये इसका यूज भी ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे बड़ा इमेज हमको देखना रहता है। ठीक है, तो ये आया फोकस पे, पैरेलल रेस यहाँ निकला, इसका एरो छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, पैरेलल रेस आया और ये पैरेलल रेस नहीं सर, यहाँ से मैंने एक ऑब्लिक को ली, एक तिरछा लाइट रेस कहाँ पे पोल को पास किया, किसी एंगल पे गिरेगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, तो यहाँ गिरा यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा रेज जो है इसी पॉइंट से इसी ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर होके जाएगा। ठीक है, इसको स्केल की सहायता से करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का साइज नाप के कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। दोनों लाइट रेज बहुत दूर जा रही हैं तो मिलने का इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रहा है तो उसी दिशा में रिवर्स भी हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। तो एक को मैंने क्या किया कि